मन में आया आकाशवाणी में तो मुझे आठवें पुत्र से खतरा बताया, इसको क्यों मारूं? बसदेव जी ले जाओ। बसदेव जी बालक को लेकर के वापस चलने लगे। अभी महल के दरवाजे तक ही पहुंच पाए हैं कि नारद जी ने सोचा, नारायण नारायण, अगर ये ऐसे ही छोड़ता गया पुत्रों को तो इसके पाप का घड़ा तो भरेगा नहीं, और भरेगा नहीं तो फूटेगा कैसे, भगवान का अवतार कैसे होगा। तो नारद जी तुरंत प्रकट हो गए कंस के सामने, और कंस से बोले, अरे भैया कंस, ये वसुदेव जी बालक को लेकर के कैसे वापस चलेंगे। कंस बोला, महाराज मुझे तो अष्टम पुत्र से भय है, तो मैंने सोचा पहले को क्यों मारूं। नारद जी बोले, नारायण नारायण, तुझे कैसे पता कि आठवां कौन सा है। अरे महाराज, इसमें क्या, जो आठ ये गिनती आगे से करें कि पीछे से करें, हो सकता है बीच में से शुरू कर दे, यहां से गिनो तो बगल वाली आठ में, तो छोड़ के गिनो तो कोई और आठ में, कोई और छोड़ के गिनो तो और आठ में, मतलब क्या महाराज। बोले, जैसे ये कोई सी भी आठ में हो सकती है, ऐसे देवताओं का पता नहीं कहां से गिनती करें। कंस बोला, तो क्या करें महाराज, मार दें क्या उस बालक को। नारद जी बोले, नारायण नारायण, हम क्यों कहें किसी को मारो, तुम समझो। नारद जी तो चले गए, अभी बसदेव के दरवाजे तक पहुंचे थे, बुला लिया, उनके गोद में से उस बालक को लिया और उसको हत्या की। इस तरह से कर दो, और स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से कन्या रूप में प्रकट हो गई। देवकी का गर्भ ने उस समय लोगों को ऐसा लगा कि देवकी का गर्भ पात करा दिया इस दुष्ट, अब आठवें गर्भ में स्वयं हो गया। कारागार में अलौकिक प्रकाश छा गया। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आता, क्यों, भगवान गर्भ में आएंगे तो भगवान नहीं रह जाएंगे, भगवान किसी नियम में बना हुआ नहीं। एक महात्मा बड़ी सुंदर बात कहते थे, बोले एक बार गर्भ भगवान के पास गया, और भगवान से भगवान के पास जाके गर्भ रोने लगे। भगवान कह रहे, क्यों रो रहे हो भाई। अरे प्रभु, इसलिए रो रहे हैं, आपके जितने भी कथाकार हैं ना, जितने संत महात्मा हैं, जितने सत्संगी हैं, सब हमारी निंदा करते हैं। क्या कहते हैं? बोले, सब के सब यही कहते हैं, ऐसे कर्म मत करो कि गर्भ में जाना पड़े, गर्भ से बचो, गर्भ से बचो। इसका मतलब हम बुरे हैं, और प्रभु अगर हम बुरे हैं तो आपने हमें बनाया ही क्यों। सब लोग हमारी निंदा करते हैं, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं गर्भ, आज तक लोग तुम्हारी निंदा करते थे, लेकिन अब मैं स्वयं तुम में आऊंगा तो सब लोग तुम्हारी स्तुति करने लगेंगे। इसलिए भगवान गर्भ में आए, और भगवान लागत कृष्णा Oh,
देवता गर्व स्तुति करते हैं, प्रभु आप सत्य हैं, आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है। ब्रह्मा आदि देवता स्तुति किए, देव के वसुदेव को सांत्वना दी, अब आपको कंस से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, साक्षात भगवान ही तुम्हारे गर्भ में है, भगवान ही तुम्हारे पुत्र बन करके आ रहे हैं। तीनों देवता अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, अब धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। बड़ा पवित्र मास होता है भाद्रपद का, कृष्ण पक्ष की बुध युक्त अष्टमी तिथि। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, समय में मानो भगवान के प्रकट होने के सारे गुण उत्पन्न करते हैं, हर प्रकार के पत्र पुष्प खिल रहे हैं, गौओं के स्तनों से दूध की धार अपने आप निकल रही है, मानो पृथ्वी गाय बनकर के भगवान का अभिषेक कर रही है। अंधकाराक्षण अर्धरात्रि का समय है, पृथ्वी की पृथ्वी से रत्न अपने आप निकल रहे हैं और उनका यथेच्छ दान भी हो रहा है। ब्राह्मणों के यज्ञ कुंडों की जो अग्नि बुझ गई थी यज्ञशाला की, वो स्वयं प्रज्वलित होने लगी। एक कंस को छोड़कर के बाकी सबके मन में बड़ी प्रसन्नता है। अर्धरात्रि का समय हुआ, 12 बजने जा रहे हैं, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, बादल छाए हुए हैं, मंद मंद बूंदें गिर रही हैं। बड़ा विलक्षण बालक प्रकट हुआ, तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणम् चतुर्भुजं संप्रगदार्युदायुधम्। श्रीवत्सलक्ष्मं गलसोभिकौस्तुभम्। भगवान ऐसा ज्ञान देकर के बाल लोक में आगे एक सुंदर सी टोकरी में वसुदेव जी ने बालक, अब वसुदेव जी लाला को लेके नंद भवन में पहुंचे तो कहा देख रहे हैं, मैया यशोदा के कक्ष के दरवाजे खुले हुए हैं, मैया यशोदा सोई भई है, बराबर में कन्या लेटी है। अजी वसुदेव जी ने लाला को लिटायो, कन्या को उठायो और कारागार में आए। जैसे ही कारागार में आए कि अष्टम गर्भ ने जन्म लिया है, कंस उसी समय दौड़ा हुआ आया। कंस आता है, देवकी की गोदी में कन्या देखी, देवकी निवेदन करती है, भैया ये तो कन्या, ये क्या बिगाड़ेगी आप? लेकिन दुष्ट ने एक नहीं सुनी, कन्या को पकड़ लिया, पैर पकड़ के घुमा के पृथ्वी पर पटकना चाहा, कन्या आकाश मार्ग को उड़ गई, अष्टभुजी देवी का उद्धार और कहा, रे कंस तो मुझे मारना चाहता है, तेरा जो काल है वो तो ब्रज में पैदा हो। बाद में कंस आके देवकी से क्षमा याचना करता है। अब आइए इधर गोकुल में क्या हो रहा है, श्रृंगार कियो, सांडिल्य मुनि को बुलवायो, महाराज आपके आशीर्वाद से बालक का जन्म हुआ है। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों से स्वस्थ वाचन कराते हैं, थोड़ी देर में
राजा